राम राम भाई। सबने उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज है 7 तारीख और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे। तो मेरा सामान रेडी है सारा, ये है कमर पे लदा हुआ है। अभी सूटी से थोड़ा और सामान लूँगा और अभी निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। ये दोनों मेरे इंतज़ार में, ये कब निकले हमें फ्री करे। जाऊँ आऊँ ठीक है मैं बाय। तो भाई मैं अभी पहुँचा हूँ रजौरी गार्डन और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक दिल्ली वापस नहीं आते, मेरी रिटर्न की कोई फ्लाइट की टिकट नहीं है कि मैं कब आऊँगा, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो सोचा कि ना दिल्ली से जाते वक्त आखिरी बार ड्राइव कर ली जाए अभी जब तक वापस नहीं आता। तो भाई अभी सो रहा है, ये वापस लेके आएगा गाड़ी, भाई छोड़ के आएगा मेरे को। और तो भाई थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरी पहली फ्लाइट है, पहली फ्लाइट सोलो सोलो ट्रिप है। मैं पहले ऐसे कभी गया नहीं अकेले, या तो पापा होते थे या फैमिली होती थी साथ में। तो मे बी आई एम अ ग्रोन गाय नाउ, सो आई एम गोइंग सोलो फॉर द बेस्ट। की सब अच्छे से बस बोर्डिंग वोडिंग की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब थोड़ा भाई अकेले संभाल। तो गाइस मैंने चेक इन कर लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग गेट है 52 और अभी मैं 47 पे। काफ़ी बात कर चुका हूँ मैं इतनी देर में, अंकल परेशान हो गए मुझसे। अंकल परेशान हो गए क्या मुझसे बातें करते करते? हाँ अच्छा, तो भाई अंकल कह रहे हैं कि पैसेंजर्स जो होते हैं ना, वो उनसे अगर बात करो तो यहाँ पे बुरा लगता है। और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम दिल्ली वाले हैं, हम जहाँ पे चाहिए हमें बातें चाहिए, हमें अपनापन चाहिए हमें हर जगह। कोई खाली पीली रहेगा ऐसे तो चुपचाप चुपचाप तो मेरे भड़क हो जाती है, फिर हो जाती है मेरे फिर से रानी ज़्यादा ज़्यादा देर चुप। तो वापस 5 साल बाद मुंबई वापस आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं इधर। और देखो अभी कल आज तो रेस्ट करूँगा, कल मिलूँगा सबसे, जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बंधु हैं उनसे कल या परसों मिलने की कोशिश करता हूँ सबसे, मैं मिलवाता हूँ आप लोगों को सबसे। ठीक है तो अभी चलते हैं, पहुँच गए। तो भाई हम अभी निकले हैं, थोड़ा पवई घूमा हूँ, चाचा को कुछ काम था तो उनके साथ आया हूँ। मिलो मेरे चाचा से श्री नीरज मलिक और उनके साथ में उनके फ्लैटमेट। लुक गए आपके पीछे ये अंकित जी। और भाई मैं दिखाता हूँ अभी पवई कैसा है, बहुत बहुत बढ़िया बना रखा है, इतना सीपी पी से तो काफ़ी अच्छा है।
घर को आ रहा है फन। ये मंदिर, मंदिर में मत्था टेक लो, ये भक्तजन खड़े हैं मंदिर पे। और भाई ये जगह है बहुत बढ़िया, लोग आ रहा है यहाँ, अच्छा मज़ा, मौसम भी अच्छा है और सब बढ़िया। अभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अभी बज रहे रात के, सॉरी सुबह के 4। और आज यहाँ के मुझे पता चला कि आज मेरे चाचा का बर्थडे है, नीरज चाचा का। सो हम रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ थोड़ा बहुत खाया और केक काटा, उनका थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैं वो दिखा नहीं पाऊँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं दिखा सकूँ, मुंबई में जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करूँगा या कुछ भी करूँगा तो कोशिश करूँगा दिखा सकूँ। तो बाय, मिलते हैं।